नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सबका स्वागत है। शाम के 4 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो फोर का फायर का। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज हम बुलेटिन में बात करेंगे टीवी पर सबसे पहली बार कैसे माफिया अतीक की गर्लफ्रेंड सामने आई। इसके साथ ही अतीक के शूटर अब लेडी डॉन शाइस्ता को जान से मारना चाहते हैं, आखिर क्यों? आगे वीडियो सबूतों में आपको दिखाएंगे पूरी खबर। नमस्कार, फोर का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और चार धाम यात्रा करने वाले भोले के भक्तों के सामने आखिर किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं वो बताएंगे आपको वीडियो सबूतों के साथ। इसके साथ ही बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लालू के लाल तेज प्रताप ने आखिर क्या चुनौती दे दी है और ये चुनौती क्यों दी गई है, पूरी खबर होगी फोर का फायर में आगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन श्रीवास्तव। दिल्ली मुंबई की आज बड़ी खबर क्या है आगे आप जानेंगे। इसी के साथ आपके शहर की खबर भी मैं आपको अपडेट दूंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है, आखिर क्यों, आगे आपको जनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य आपके साथ है। सूडान में ताजा हालात क्या हैं, कितने भारतीय अभी वहां फंसे हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही इसराइल से आज गजब की तस्वीर सामने आई है। अब तक आप देखते रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज की जो तस्वीर सामने आई है उसमें नेतन्याहू के पक्ष में लोग जो है सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो गया, डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए और चलिए अब देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। बीते 3 महीनों से हम आपको लगातार इसराइल में हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखाते आ रहे हैं, जिनमें अक्सर लोग राष्ट्रपति नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन आज जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल वो इसराइली राष्ट्रपति के समर्थन में हुई रैली की तस्वीरें हैं। देखिए जरा, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है, लोग हवा में झंडे लहरा रहे हैं, कुछ लोगों के हाथों में बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर भी हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये तस्वीर इजरायल के एक और प्रदर्शन की लग रही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। तस्वीरें भले ही इजरायल के यरूशलम से सामने आई हों, लेकिन ये कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में हो रही एक रैली है। इस समर्थन रैली में पूरे इजरायल से आए लगभग 80,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। दरअसल बीते कई महीनों से राष्ट्रपति नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल के कई शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला एक कानून को पास करना चाहती है। हालांकि अब सरकार के समर्थन में भी मार्च और रैलियां निकाली जा रही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। पाकिस्तान के कराची में एक इमारत में आग लगी तो कई किलोमीटर तक धुएं के गुबार नजर आए। जी हाँ, लोग अपनी अपनी बालकनी पर आकर नीचे मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। एक इमारत धू-धू कर जल रही है, आग की लपटों से काले धुएं के विकराल गुब्बार उठ रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा है, लेकिन दमकल विभाग की एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। भयंकर आग की ये तस्वीर पाकिस्तान के कराची से सामने आई है, जहां एक रिहायशी इमारत में आग लगी तो बिल्डिंग के अंदर और बाहर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जिस वक्त ये आग लगी उस समय बिल्डिंग के अंदर कई परिवार मौजूद थे, जो खुद को बचाने के लिए बालकनी से मदद की गुहार लगाते नजर आए। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के पास से गुजर रहे हाईवे पर भी इस आग की वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ है। सामने आई तस्वीरों में भी गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। अब तुर्की के इज्मिर शहर से आई रिहायशी इमारत में जो भयानक आग लगी उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आग ने पूरी इमारत को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया और इस विनाशकारी आग से बचने के लिए लोगों ने अपनी अपनी बालकनी से ही छलांग लगा दी। देखिए इज्मिर से आई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरी बिल्डिंग आग के आगोश में है, आग की ऊंची ऊंची लपटें धधक रही हैं, धुएं के विकराल गुबार भी उठते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें तुर्की के इज्मिर शहर से सामने आई हैं, जहां एक रिहायशी इमारत में आग लगी तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने इस विनाशकारी आग से खुद को बचाने के लिए कई मंजिलों से छलांग लगा दी। आग
आग कैसे लगी है अब तक तो ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन चंद मिनटों में ही आग ने पूरी इमारत को अपने आगोश में ले लिया और सब कुछ फूंक कर राख कर दिया। बिल्डिंग का एक भी कोना ऐसा नहीं था जो जलकर खाक ना हुआ हो। जानकारी के मुताबिक मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की लगातार मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया। और चलिए बात करेंगे सड़क हादसे की। आज आपको रोड एक्सीडेंट का सबसे खौफनाक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बोलेरो और बाइक की ऐसी टक्कर हुई कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए ये घटना का सीसीटीवी फुटेज। आधी रात में रफ्तार ने मचाया कोहराम, दर्दनाक, खौफनाक और भीषण सड़क हादसा। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दहल उठा। बेलगाम बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर हुई और बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई। रफ्तार के कहर की घटना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है, जहां चोली गांव में बीती रात बाइक और बोलेरो गाड़ी की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। एक बार फिर जरा देखिए जानलेवा वीडियो। बोलेरो और बाइक दोनों दो दिशा से आ रहे हैं। दोनों की रफ्तार बेहिसाब है, फिर दोनों की आमने सामने टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद बाइक सवार दूर जाकर गिरता है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानलेवा टक्कर की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इस घटना की जांच करने में जुटी। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच सीज फायर लगातार जारी है ताकि विदेशी नागरिकों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इसी बीच सूडान में दुकानें खाली हो रही हैं। पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों और लोगों की लंबी कतारें नजर आती हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की कतार लगी है, लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कुछ लोग प्लास्टिक के कैन की लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दुकानों से खाने का सामान कम हो रहा है। दुकानदार अपनी मर्जी के हिसाब से राशन के दाम लोगों से वसूल रहे हैं। तस्वीरें सूडान से सामने आई हैं, जहां सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी लड़ाई से देश में फ्यूल और खाने की किल्लत हो रही है। हर चीज का भंडार खत्म होता जा रहा है। पेट्रोल पंप की लाइन में लगे लोगों के मुताबिक वो बीते 3 दिनों से पंप की लाइन पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनकी बारी नहीं आई है। आपको बता दें कि दोनों सेनाओं के बीच 72 घंटे का सीज फायर करवाया गया ताकि विदेशी लोगों को उनके देश वापस भेजा जा सके और स्थानीय लोग अपने घरों से निकलकर खाने पीने का कुछ सामान खरीद सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां एक यूनिवर्सिटी जंग का अखाड़ा बन गया। यूनिवर्सिटी के अंदर जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने किस तरीके से जांच की और विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरीके से आगे कार्रवाई कर रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग के अंदर हंगामा और मारपीट, यहां तो जबरदस्त फाइटिंग हो रही है। एक दूसरे पर लात और घूंसों से हमला किया जा रहा है, एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है। हैरान कर देने वाला ये वायरल वीडियो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का है, जहां एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में 15 से 20 छात्र यूनिवर्सिटी परिसर की तीसरी मंजिल पर आपस में मारपीट करते दिखे। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों में ये विवाद हुआ, जिसके बाद छात्र मारपीट पर उतारू हो गए। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में कोहराम मच गया है। मारपीट के दौरान कई छात्रों को चोटें भी आई। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद वीडियो को लेकर पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन अब कार्रवाई की बात कह रहा है। और अब बात कर रहे थे इस समय की बड़ी खबर की, महाराष्ट्र से खबर, जहां पर रत्नागिरी में ग्रीन ऑयल रिफाइनरी बनाने के प्रोजेक्ट को लेकर ये कहा जाए शुरुआत में ही अब विवाद शुरू होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इलाके के जो आदिवासी हैं वो इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल पुलिस ने राजापुर गांव में प्रदर्शनकारियों पर देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे हैं। राजापुर गांव रिफाइनरी परियोजना का यहां
जो ग्रामीण है वो विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस के साथ उन लोगों की धक्का मुक्की हुई। किस तरीके से ग्रामीणों को यहाँ से खदेड़ा गया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। देखिए किस तरीके से खदेड़ते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी इन ग्रामीणों को। जी, और ये तस्वीरें रत्नागिरी की है, टाइम्स ऑन अखबारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जिस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे लोग, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी प्रदर्शन करती हुई, ज्यादातर संख्या जो है महिलाओं की नजर आती है। देखिए, और यही वजह है कि पुलिस उन्हें रोक तो रही है, लेकिन जब नहीं रुके तो इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी लगातार इन महिलाओं को रोक रही थी जो प्रदर्शन कर रही थी। जिस जगह पर ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वहां पर किस तरह से विरोध जताते हुए उस पूरे इलाके में आग जमी की भी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है, एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑन भारत का। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ ग्रामीणों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उन्हें वहां से खदेड़ा गया है। लगातार यहाँ ग्रामीण जो है वो विरोध कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। रूसी वायुसेना पहले ही रूस के कई शहरों को खंडहर बना चुकी है, और अब निशाना बनाया जा रहा है कीव से 350 किलोमीटर की दूरी पर बसे ओमान को। रिपोर्ट दिखाते हैं। इमारत के एक हिस्से में आग लगी है, आग से घने धुएं का अखबार उठ रहा है। आसपास दमकल विभाग भी मौजूद है जो आग पर काबू करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आग पर पानी की इन बौछारों का भी कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें यूक्रेन के ओमान से सामने आई हैं, जहां रूसी वायुसेना ने मिसाइलें दागी तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सामने आई तस्वीरों में भी आपको हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आएगा। गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं और लोगों के घर जलकर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। चश्मदीदों की माने तो जिस वक्त रूसी वायुसेना ने बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ बमबारी की, आसपास मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागने लगे। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं कश्मीर घाटी में जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से कश्मीर की वादियां खिल उठी हैं। टाइम्स ऑन भारत पर आपको दिखाते हैं बर्फबारी की बेहद खास तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में तो जोरदार बर्फबारी शुरू हो चुकी है, कश्मीर की पहाड़ियां भी बर्फ से ढक चुकी हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात से मुसीबत बढ़ गई है। भारी बर्फबारी की वजह से ऐतिहासिक मुगल रोड ब्लॉक हो चुका है। दरअसल मुगल रोड ही राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ता है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। रास्ते में सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। बर्फबारी का ताजा वीडियो सामने आया है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर के बीच बर्फबारी होती नजर आ रही है। वहीं ताजा बर्फबारी के बाद पारा काफी ज्यादा नीचे लुढ़क चुका है। हालांकि मुगल रोड को खोलने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। हाईवे से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। गुलमर्ग भी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत 4 का फायर। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के श्री गंगानगर में आग ने तांडव मचा दिया। 2 ट्रकों के बीच लगी भीषण आग। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज हमें राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के श्री गंगानगर में सड़क किनारे आग लगी। सड़क किनारे जो 2 ट्रकें खड़ी थी उनमें भीषण आग लग गई। आग का तांडव देखने को मिला हमें। ये तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर से। दोनों ही ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग बुझाई। राजस्थान के श्री गंगानगर की ये तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, वो आपको बता दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। देशद्रोह के एक मामले में इमरान खान को जमानत मिल गई है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत इमरान खान को दरअसल 3 मई तक के लिए अंतरिम जमानत मिली। पाकिस्तान में जिस तरह से
सियासी उठापटक तो नजर आई, लेकिन सबसे खास बात ये इमरान खान की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ रही थी, लेकिन आज भी जब कोर्ट में पेश किया गया था, देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच में इमरान खान को पेश किया गया। इसके पहले भी यही तस्वीर नजर आई थी, एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑन भारत पर। लेकिन बड़ी खबर इमरान खान से जुड़ी हुई ये है कि इमरान खान को फिलहाल राहत मिली है, उन्हें गिरफ्तारी पर रोक लगा है एक बार फिर से। तो देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं इमरान खान की सुरक्षा किस तरीके से की गई जब कोर्ट में पेश हो रहे थे इमरान खान, आपको नजर नहीं आएंगे इस सुरक्षा घेरे में चल रहे थे इमरान खान। इसके पहले भी तस्वीरें जब सामने आई थी तो इमरान खान को सुरक्षा घेरे में देखने को मिला था कि वो किस तरीके से सुरक्षा घेरे में जो है वो चलते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर पाकिस्तान से सामने आई है, देशद्रोह के एक मामले में इमरान खान को जमानत मिली है, इमरान खान को 3 मई तक अंतरिम जमानत दी गई है। ये बड़ी खबर और बड़ी राहत इमरान खान के लिए। और आइए बात करते हैं बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बाबा की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लालू के लाल यानी कि तेज प्रताप यादव ने चुनौती दी और तेज प्रताप ने कहा कि बाबा पटना आए तो भाईचारे का ही संदेश दें। तेज प्रताप ने कहा कि अगर बाबा ने हिंदू राष्ट्र का हल्ला किया तो उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दें। रिपोर्ट देखिए। तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार के खिलाफ लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि बाबा अगर बिहार आकर भाईचारे का संदेश देंगे तभी पटना में उन्हें एंट्री मिलेगी, हिंदू राष्ट्र का हल्ला किया तो उन्हें एयरपोर्ट से ही लौटा दिया जाएगा। बागेश्वर सरकार 13 मई से 17 मई तक पटना में रहेंगे, जहां नौबतपुर के तरीत गांव में उनकी 5 दिन की कथा का कार्यक्रम है। 15 मई को उनका दिव्य दरबार लगेगा जिसमें 3 लाख लोगों के जुटने का अनुमान जताया गया है। बागेश्वर सरकार उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो जारी कर पटना में अपने कार्यक्रम की जानकारी दी है। वीडियो में वो भोजपुरी भाषा में ही संवाद करते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप का अल्टीमेटम बता रहा है कि बिहार में बागेश्वर बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र की तरह हंगामा खड़ा होना तय है। अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर हरसिद्धि शक्तिपीठ में 51 फीट ऊंचे दीप स्तंभ में अचानक आग लग गई तो मंदिर में कोहराम मच गया। मंदिर के दीप स्तंभ में कैसे आग लगी, क्या है महज ये कोई हादसा था या कोई चमत्कार हुआ, रिपोर्ट दिखाते हैं देखिए। उज्जैन के माता हरसिद्धि मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के दीप स्तंभों में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कुछ महिला श्रद्धालुओं ने 108 दीप प्रज्वलित कर दीप स्तंभ के पास रख दिए। दीप की लौ ने दीप स्तंभ को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग तेजी से भड़क उठी। 51 फीट ऊंचे दीप स्तंभ के निचले हिस्से में आग तो मंदिर कर्मचारियों ने बुझा दी, लेकिन ऊपर के हिस्से में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की खबरें मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर भी है। हरसिद्धि मंदिर में मौजूद दोनों स्तंभ अति प्राचीन हैं। मान्यता है कि दीप स्तंभ को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। और चलिए बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का दौर जारी है, दीदी के गुंडे सूबे में लगातार तांडव करते नजर आ रहे हैं। जी हां, बीजेपी कार्यकर्ता मृत्युंजय बर्मन की हत्या हुई और उस हत्या के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया। कूचबिहार हो या दिनाजपुर समेत 7 जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बंद के दौरान कहां कहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने हुए, रिपोर्ट दिखाते हैं देखिए। पश्चिम बंगाल इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सूबे में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बुधवार को नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता मृत्युंजय बर्मन की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हत्या के विरोध में बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल के 7 जिलों में बंद बुलाया है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग, कूचबिहार, मालदा, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर में बंद बुलाया गया है। तस्वीरें कूचबिहार जिले की हैं, जहां बंद के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी समर्थक बस डिपो के सामने धरने पर बैठे थे
इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और मारपीट करने लगे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थिति को संभाल लिया। बीजेपी के दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर दंतेवाड़ा में 10 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लखूम मरकाम के लिए चिता सजाई गई तो उनकी पत्नी उसी चिता पर लेट गई और इस मार्मिक दृश्य को देखकर हर किसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। दिखाते हैं आपको कलेजे को चीर कर रखने वाली ये खबर। यहाँ आंसुओं का सैलाब है, हर तरफ दुखों का पहाड़ है, यहाँ तो सागर से भी गहरा दर्द है। इस तस्वीर को देखकर दुश्मनों का कलेजा भी फट जाएगा। मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कासोली से आई हैं, जहां शहीद पति के लिए सजी चिता पर उनकी पत्नी लेट गई। चिता पर बिलखते हुए बोली, इनके पहले मुझे जला दो। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। साथियों की शहादत और उनके घर वालों की चीखें सुनकर महिला कमांडोज भी रो पड़ी। शहीद की पत्नी काफी देर तक चिता पर लेटी रही। परिवार और गांव की महिलाओं ने ढांढस बंधाया, जिसके बाद शहीद जवान का अंतिम संस्कार हुआ। डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक की शहादत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।